कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। दिल नादान न धड़क, ए दिल नादान न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। इस गुलिस्तां की यही रीत है शाख गुल, इस गुलिस्तां की यही रीत है ऐ शाख गुल। तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा, वो पराया होगा, वो पराया होगा। कैफ भोपाली, मीर तकी मीर, दाग और लोहे की शायरी के अंदाज से दामन छुड़ाकर उर्दू शायरी को नया पांकपन, नए आसमान और नए परवाज देने वाला शायर। भोपाल इल्म और अदब का केंद्र और गहरा जहरा तहजीब का मरकज, जहां कैफ साहब लिखते रहे जुड़ों की हिकायतें कुचुका, यानी कैफ साहब की आत्मा शायरी में ढलकर लोगों के दिलों को छूने लगी। पूरा नाम ख्वाजा मोहम्मद इदरीस, नस्ल से कश्मीरी, जन्म 20 फरवरी 1917। कैफ साहब के पिता ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम शायरी से कोई लगाव नहीं था। हाँ, उनकी माँ सालिया खानम शायरा थी और आजिज तखल्लुस रखती थी। वास्तव में कैफ साहब की शायरी में सूफियाना रंग उनको माँ के आंचल से ही नसीब हुआ। वो अक्सर माँ का ये शेर गुनगुनाते थे, पिया साके मौदत कि दिल सरशार हो जाए, मगर सरशार ऐसा हो न फिर बेदार हो जाए। यह परमात्मा से आत्मा के मिलन की अद्भुत अनुभूति, ये एहसास, ये अनुभूतियां कैफ साहब को बहुत छोटी उम्र में अरबी फारसी की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान हुई। उनकी ज्यादातर शिक्षा घर पर ही हुई। अरबी फारसी पढ़ने के बाद उन्होंने हिंदी और संस्कृत भी पढ़ी। आम बच्चों की तरह उन्हें खेलकूद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 7 साल की उम्र से शेर कहने लगे थे और शायरी में अगर कभी उनका कोई उस्ताद कहा जा सकता है तो वो उनकी माँ थी। उलझे बाल, बड़ी बड़ी जहीन आंखें और तीखे नाक नक्श वाले कैफ साहब बहुत भावुक थे। शुरू शुरू की शायरी का रूमानी अंदाज और आशिकाना मिजाज उनकी शख्सियत का हिस्सा है। उनकी इश्किया शायरी बहुत व्यक्तिगत कही जा सकती है, मगर उनकी जाती जिंदगी में इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं मिलता। कैफ भोपाली, जिन्हें हम लोग आमतौर पर कैफ साहब कहकर पुकारा करते थे, उनकी शायरी में इश्क के उनसुर की तलाश या इस मौजू के सिलसिले में और जस्तजू करना इसलिए मेरे ख्याल से बेमहल होगा कि उनकी अमली ज़िंदगी में इश्क का कोई वजूद नहीं है। शायरी में ज़रूर इश्क है, तो ज़ाहिर है कि ये तो उर्दू गज़ल का एक खासा रहा है कि इश्क और मोहब्बत के बगैर उर्दू शायरी की शायद शनाख्त ही नामुमकिन है। उनकी शादी हाजी अब्दुल हसन साहब की बेटी इफ्तिखार बानो से हुई। सीधी सादी घरेलू बानो न तो खुद शायरा थी न शायरी का शौक था, मगर पति के शायराना मिजाज को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 4 बेटियों और 1 बेटे के बाप होने के बाद भी कैफ साहब का दिल घरेलू जीवन की तरफ मायल नहीं हुआ। सारी जिम्मेदारी का बोझ था उनकी पत्नी इफ्तिखार बानो के कंधों पर। उनका ज्यादा वक्त बंबई में ही गुजरता था, बच्चों का मैं ही ख्याल करती थी।
पढ़ाने का लिखाने का सब बातों का। कैफ साहब को अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों और बिगड़ती आर्थिक स्थिति का अंदाजा था। उन्होंने इस दौर की शिकायत भी की है। मेरी फाका मस्ती भी देख तू, मेरी बादा कशी गुनाह सही। नौबत जब फाका मस्ती तक आ गई और हालात बदतर होते चले गए, तो कैफ साहब ने रियासत पठारिया में 30 रुपए महीने पर नौकरी कर ली। मगर उनकी आजाद तबीयत नौकरी की बंदिशों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और देश की आजादी के लिए जो जंग चल रही थी उसमें अपनी बगावती शायरी से एक नया जोश पैदा करने का बीड़ा उठाया। चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़क रही थी। भोपाल में भी प्रजामंडल नामक संस्था का गठन किया गया और कैफ साहब उसके जागरूक कार्यकर्ता थे। इस दौर की नज़में नई किरण, सुर्ख सवेरा, शबे तारिक, सितारा शहर और अजनबी हाथ बहुत मशहूर हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि इश्किया शायरी की इब्तिदा करने के बाद उन्होंने इनकलाब की तरफ कदम बढ़ाया और जब तरक्की फन मुसन्निफीन की यहाँ पर शाख कायम हुई तो वो उसके मेंबर थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े अवामी जलसे हुआ करते थे उसमें वो शरीक होते थे। वो अपनी इनकलाबी नज़में सुनाते थे। उनकी इनकलाबी नज़मों की भी अदब में अहमियत है, वो तस्लीम की जाती हैं। उन दिनों उनकी एक नज्म के ये बोल अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत थी। दुनिया में वफाओं का सिला है कि नहीं है, मेरा कोई हसास खुदा है कि नहीं है। प्रजामंडल संस्था के सदस्य होने के कारण और मजदूरों को भड़काने के कारण कैफ साहब को जेल की सजा काटनी पड़ी। देश आजाद हो गया और कैफ साहब को भी रिहाई मिल गई। मगर देश की अधूरी आजादी कैफ साहब को और अधिक बेचैन कर गई और उनके दिल से ये आवाज उठी, अजनबी हाथ की चुटकी में लगाम आज भी है, हिंद आजाद है, दिल्ली तहे दाम आज भी है। आजादी के बाद कैफ साहब को सबसे बड़ी चोट लगी देश के बंटवारे से। गरीब बेबस लोग सरहद पार से आ रहे थे तो कुछ सरहद पार जा रहे थे, मुल्क बिखर रहा था। कैफ साहब के खुद के हालात भी साजगार न थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। शायरी का रूमानी अंदाज दर्द में ढल गया। किसी हाल में भी सुकून नहीं, अजब हालेजार है आजकल, कभी मैं कदा कभी बुत कदा कभी कुए यार है आजकल। कैफ को अपनी धरती के बंटने का बहुत दुख था, क्योंकि ये वो धरती है कि पैरों से लिपट जाती है और मेहमान नवाजी की अदा क्या होगी। ये वो धरती है कि पिस पिस के शफकजार हुई, ऐसी नौरंगी ये तकदीर ही ना क्या होगी। जब देश में लोगों की आस्थाएं चरमरा रही थीं, बदलते हालात में हर शख्स अपनी मंजिलें खोज रहा था, उस वक्त कैफ साहब भी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके दोस्त अख्तर उल उलेमान उन्हें बंबई ले आए। जोश मलियाबादी, कृष्णचंद्र और कमाल अमरोही के साथ कैफ साहब की अदबी जिंदगी का नया दौर, नया सफर शुरू हुआ। उन्हें बॉम्बे से कमाल अमरोही का ऑफर मिला, चुनाचे वो फिल्मों में चले गए। वो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे बड़े, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक कमाल अमरोही के गीत लिखे, कई गीत उसमें बहुत मशहूर हुए। ये नसीब की बात है कि बेशतर उनके ऐसे गीत जो रिकॉर्ड हो चुके थे लेकिन फिल्मों में नहीं आ सके, उसके बावजूद जो रिकॉर्ड हुए थे वो मकबूल हुए। शंकर हुसैन फिल्म या दायरा सबसे पहली जो उनकी फिल्म थी उसमें उनका एक बहुत मशहूर गीत था, देवता तुम हो मेरा सहारा, भजन की शक्ल में ये गाया गया था। रजिया सुल्तान में था, पाकीज़ा में उनके गीत थे। कैफ साहब ने उस वक्त की मशहूर फिल्मों के लिए
भजन, गजल और गीत लिखे। दायरा, मान, शंकर हुसैन, पाकीजा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों की कामयाबी का राज कैफ की शायरी थी। उनके द्वारा लिखे गए सुंदर गीत थे। आज भी उनके लिखे हुए गीत मशहूर हैं, जैसे फिल्म मान का ये गीत। कह दो कि मोहब्बत से न टकराए जमाना, कह दो कि मोहब्बत से न टकराए जमाना, आसान नहीं प्यार के दीपक को बुझाना। कह दो, कह दो कि मोहब्बत से न टकराए जमाना। दायरा का वो भजन। पाकीज़ा का गीत। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। पाकीज़ा का ही एक और गीत। रजिया सुल्तान फिल्म के गीत। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। बंबई की फिल्मी दुनिया का कैफ साहब पर अच्छा असर नहीं पड़ा। कैफ साहब को ज्यादा दिनों तक ये दुनिया रास नहीं आई। वो बार बार भोपाल आते, मुशायरों की महफिलें जमती, दोस्तों का जमघट होता और कैफ साहब की आवाज का जादू। खेल यही खेला तुमने लड़कपन से, खेल यही खेला तुमने लड़कपन से, जो भी मिला शीशा तोड़ दिया छन से। मैं हूँ तेरा शायर, तू है गजल मेरी, मैं हूँ तेरा शायर, तू है गजल मेरी, मैं हूँ तेरे गम से, तू है मेरे फन से, मेरे फन से। कैफ न तो फिल्मी शायर थे न किताबों के, मुशायरों के शायर थे। एक एक मुशायरे में 40-40 गजलें पढ़ते थे। उनका लहजा अपना एक अलग लहजा था, अलग अंदाज था, जिसमें खनक और लहरों जैसी शोखी थी। दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। बहुत दिन ही लगे कैफ को कि वो भी शोहरत और मकबूलियत के उस मुकाम तक पहुंच गए जहां कभी जिगर थे। और न सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश, बल्कि हिंदुस्तान के दूर दूर तक वो मशायरों को जीतते रहे और अपना असर जमाते रहे।
उनकी शायरी के संकलन में हिन हिना, शोलाए हर्फ, कुए बुता और दुबई से प्रकाशित आहंग कैफ प्रमुख हैं। इसके अलावा आकाशवाणी के लिए असंख्य नाटक, नौटंकी और गीत लिखे। कैफ साहब अपनी ज्यादातर शायरी कोड शब्दों या बिंदुओं में लिखते थे। गजल या नज्म पूरी होने पर उसे उर्दू लिपि में बदल लेते थे। कैफ साहब को कभी सम्मान पाने या अवार्ड लेने की तमन्ना नहीं थी। अक्सर वो अपने सम्मान में होने वाले जलसों में जाने से भी कतराते थे। उन्हें 1989 में मध्य प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से फिल्म रत्न से सम्मानित किया गया। 1983 में उरूज अदब की ओर से सम्मान मिला। 1989 में ही अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन की ओर से भारत भाषा भूषण सम्मान और रियाज खैराबादी अवार्ड आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मिला। 1972 में उर्दू अकादमी से सिराज मीर खां सहर अवार्ड और 1973 में राजस्थान विद्यापीठ की ओर से डॉक्टर जाकिर हुसैन सांस्कृतिक सम्मान और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से 1974 में उन्हें सम्मानित किया गया। अनेक सम्मान, अवार्ड और लोकप्रियता से बेखबर कैफ साहब उन दिनों टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद कर रहे थे। तबीयत पहले से खराब थी, मिजाज और शायरी का अंदाज सूफियाना हो चला। गीतांजलि का अनुवाद बीच में छोड़कर वो जीवन की नश्वरता और आदमी की बेबसी को शेरबंद करने लगे। जो देर पाहूं तो इतना ही देर पाहूं मैं, कि बस चमन से गुजरती हुई हवा हूं मैं। दुनिया को चंद लोग समझते हैं पायदार, ये कितनी पायदार है ठोकर लगा के देख। दुनिया के नश्वर होने का एहसास कैफ साहब को आध्यात्म की ओर ले गया। आत्मा से साक्षात्कार हुआ तो एक ऐसी कृति का जन्म हुआ जिसने कैफ साहब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति बनाया। मफहूमुल कुरान उनके द्वारा लिखित और दुबई से प्रकाशित एक अनूठी कृति है। आसान और रोजाना की बोलचाल की उर्दू में कुरान पाक का काव्य रूपांतर सारी दुनिया में सराहा गया। अपनी बीमारी के कारण वो इस अनुवाद को भी पूरा नहीं कर सके। उनका शरीर कैंसर के शिकंजे में था। 1991 के शुरुआती दिनों में तो वो दर्द से, कमजोरी से निढाल थे, दर्द से तड़पते थे, मगर आंखों में जिंदगी की चमक बाकी थी। दिलो दिमाग में शायरी का जुनून भी कायम था। मुशायरों में जाने का शौक भी बदस्तूर था। अपनी जिंदगी के आखिरी मुशायरे में उन्होंने अपनी सबसे रूमानी गजल पढ़ी। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, एक जमाना लगता है। मुशायरों को अपनी आवाज की सौगात और उर्दू शायरी को नए अंदाज देकर कैफ साहब रुखसत हुए तो अपने साथ सारी रंगीनियां और महफिलों की रौनक ले गए। उन्होंने खुद ही कहा था, उठ जाएगी रौनक तेरी रंगीन गली की, जब झाड़ के दामन तेरा दीवाना उठेगा। और 24 जुलाई 1991 का वो दिन जब कैफ साहब की आवाज की खनक खामोश हो गई। फलक से आवाज है कि आओ, तुम्हारे लायक न थी वो दुनिया, तुम्हारी खातिर हम आसमां पर एक और दुनिया सजा रहे हैं।
खुदा का इरशाद हो रहा है। फलक नशीनों सलाम भेजो, लहू में डूबे शहीद उल्फत मेरी पनाह में आ रहे हैं, मेरी पनाह में आ रहे हैं, मेरी पनाह में आ रहे हैं। पिता के दुख में शायरा बेटी परवीन कैफ के दिल से एक आह निकली। मेरा बाबुल कैफ कहाँ है, ढूंढ के लाओ कोई तो। मेरा बाबुल कैफ कहाँ है, ढूंढ के लाओ कोई तो। रूठ गया है सारे जहाँ से, उसको मनाओ कोई तो। रूठ गया है सारे जहाँ से, उसको मनाओ कोई तो। सारे जहाँ की लूट के रौनक, अनजान सफर पर जा भी चुका। वो तो ना आए लौट के लोगों, गुस्सा लाओ कोई तो। मैंने चंद अशार गजल के उसके लिए ही लिखे हैं, मैंने चंद अशार गजल के उसके लिए ही लिखे हैं। ममनू है मेरा कब्र पे जाना, उसको बताओ कोई तो। भाई और बहनों की आँखें छल छल नीर बहाती हैं, भाई और बहनों की आँखें छल छल नीर बहाती हैं। डूब न जाएं इन अश्कों में, हाय बचाओ कोई तो। मेरा बाबुल कैफ कहाँ है, ढूंढ के लाओ कोई तो।